हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरमान। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की। तो इसके लिए हमने 6 आलू ले लिए, एक प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया। अब इसको डाल देते हैं इसमें। 2 हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया। थोड़ी सी हमने कस्तूरी मेथी ली है। 1/2 कटोरी से भी कम हमने मैदा लिया। 2 चुटकी के आसपास हमने धनिया लिया है। पिसा धनिया सिर्फ 2 चुटकी कम से कम लेना है। 2 चुटकी हमने लाल मिर्च ली है। और इसमें 1 चम्मच हम पिसा काला नमक डाल लेते हैं। अब इन सब चीजों को मिला लेते हैं। मिला के इनका अच्छा सा सख्त सा आटा लगा लेना है। ध्यान रहे, पानी नहीं डालना है आलू में ही। ये तो मैदा है, आलू में जो थोड़ा बहुत नरमाट होता है, पानी होता है, उसी से इसका आटा लग जाएगा। पानी का उपयोग इसमें नहीं करना, नहीं तो फिर इसकी टिक्की नहीं बन पाएगी। इसको बिल्कुल बारीक करके चॉप कर लेंगे और अच्छा सा आटा लगा लेंगे। तरीके का एक आटा सा लगा लेना है। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, टिक्की का आटा हमारा तैयार हो गया है। आलू का जो आटा हमने करा, अब हम एक प्लेट में ऐसे कुकिंग ऑयल लगा लेंगे हल्का सा। तो सा लगा के ऐसे इसमें प्लेट को अच्छे से मैश कर लेंगे। हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा के और अब इसको छोटी छोटी इसकी टिक्की बनानी है। टिक्की को ऐसे थैली के बीच में रख के ऐसे ऐसे घुमाना है और ऐसे हल्का सा प्रेस कर देना है। और इसको एक बर्तन में इस तरीके से, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल लगाया, इस तरीके से रख लेंगे। तो ऐसे ही एक एक करके हम सारी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। तो बाकी की टिक्की भी हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। अब सारी बना के जब दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टिक्की हमारी सभी तैयार हो गई है। अब एक तरफ हमने तवा चढ़ा दिया। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। इसमें गैस जला लिया, अब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। इसमें हम एक डाल के चेक करते हैं। अभी तेल हमारा जो है कम गर्म है थोड़ा। अभी इसको पलट के देख लेते हैं। अभी तेल हमारा हो चुका है गरम। अब इसमें हम बाकी की पकौड़ी अपनी ऐड करते हैं। बाकी की टिक्की भी हम एक एक करके ऐसे ही लगाते रहेंगे। इनको सभी पकौड़ी को टिक्की को हम एक एक करके पलट देंगे।
आँच को हम मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे। जो हमने सबसे पहले डाली थी उसको हम साइड कर देंगे। ये वाली टिक्की जो सबसे पहले डाली थी इसको हम एक तरफ साइड कर देंगे और बाकी को उलट पलट के पकने देंगे। हल्के हल्के से प्रेस कर देना ताकि अच्छे से पक जाए। एक एक करके इनको सभी को प्रेस कर करके पलटना है। ये थोड़ी ज़्यादा प्रेस हो गई। अब इनको पलट